तो आज है मेरे पे होंडा SP 125 और एक्सट्रीम 125R। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इनका कंपैरिजन बताने वाला हूँ कि भाई इन दोनों बाइक्स में क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप ये बाइक परचेज करने की सोच रहे हो या फिर एक्सट्रीम 125 परचेज करने की सोच रहे हो, तो भाई इन दोनों बाइक्स में कौन सी बाइक परचेज करे, इन दोनों के फीचर्स क्या हैं, इसके अंदर हमने को क्या क्या माइलेज देखने को मिलती है, क्या इन दोनों का प्राइस है और सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इन दोनों बाइक्स के बारे में अगर आपको कौन सी बाइक परचेज करनी है वो आप इस वीडियो से डिसाइड कर सकते हो। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल पहली बार तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके लुक से। तो भाई लुक की बात की जाए तो अगर आप होंडा SP 125 को देखोगे तो भाई इसका जो फ्रंट लुक है आप इसका देख सकते हो, नॉर्मल सा है। इसके अंदर आपको ज्यादा DRL नहीं मिलता, इसके सीधा इसके अंदर आपको हेडलाइट देखने को मिलते हैं। बाकी बात करूं अगर मैं एक्सट्रीम 125 की, तो इसके अंदर आप इसका जो देखते हो हेडलाइट एरिया काफी छोटा है और इसका जो DRL है इसके अंदर भी इसके अंदर आपको दिया गया है। बात करें अगर सीट की, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो SP के अंदर सीट है वो पूरी की पूरी एक प्रॉपर सीट है, बट अगर आप स्ट्रीम 125 में देखोगे तो यहाँ पे आपको डुअल सीट मिलती है, थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर। तो भाई ये थोड़ा स्पोर्ट्स वाले में आ जाता है। बाकी अगर होंडा SP का देखोगे तो भाई एक नॉर्मल सा कम्यूटर बाइक सी लगती है, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम 125 को देखोगे तो भाई वो एक स्पोर्ट बाइक सी लगती है, भले 125 cc की सेगमेंट में हो, लगने लगती है कि भाई ये स्पोर्ट बाइक है। बस ये है कि 125 cc की सेगमेंट में, हालांकि होंडा SP भी 125 cc है, लेकिन ये थोड़ा लगता है कि मोटर बाइक्स के अंदर है और ये थोड़ा लगता है कि भाई हाँ ऑफिस वाला है, और वो थोड़ा लगता है कि हाँ भाई रेसिंग वेसिंग के लिए है। तो बाकी इस दोनों का आप लुक देख सकते हो, लुक वाइज तो भाई मेरे को दोनों ही बाइक्स अच्छी लगती है, बाकी लुक का तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक आपको ज्यादा पसंद आ रही है। बात करो इसके हेडलाइट इंडिकेटर्स हैं टेल लाइट की, तो भाई इसके अंदर जो होंडा SP 125 के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको जो हेडलाइट जो मिलती है वो मिलती है LED, और बात करो इसके इंडिकेटर्स तो वो आपको मिलते हैं हैलोजन। और बात करो इसके साथ पीछे की, तो पीछे भी आपको जो इसके इंडिकेटर्स मिलते हैं हैलोजन मिलते हैं, और जो इसकी टेल लाइट मिलती है वो भी इसके अंदर आपको बल्ब वाले ही मिलते हैं। और बात करो एक्सट्रीम 125 की, तो इसके अंदर जो आपको सभी जो चीजें मिलती है, चाहे इंडिकेटर्स हो गए, चाहे इसके हेडलाइट हो गए, चाहे DRL हो गई, सभी इसके अंदर आपको LED ही मिलते हैं। आप देख सकते हो जो इसके इंडिकेटर्स है वो भी LED है, इसका जो हेडलाइट है वो भी LED है, तो इसके अंदर आपको जो सब चीजें मिलती है वो LED ही मिलती है। और बात करो इसके अंदर आपको कितने गियर्स मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको जो होंडा SP 125 इसके अंदर भी आपको 5 गियर्स मैनुअल मिल जाते हैं, और जो एक्सट्रीम 125 इसके अंदर भी आपको 5 गियर्स मैनुअल मिल जाते हैं। बाकी अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर है अपने को, क्या क्या चीजें देखने को डिफरेंस देखने को मिलती हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं पहले इसके फ्रंट व्हील से। तो आप इसका देखोगे तो इसके अंदर आपको मिलता है होंडा SP 125 के अंदर आगे इसके आगे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। और बात करें एक्सट्रीम 125 की, तो इसके अंदर भी आपको डिस्क ब्रेक आगे देखने को मिल जाता है, बट डिफरेंस क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो है एक्सट्रीम 125R के अंदर आपको ABS देखने को मिल जाता है। और बात करो होंडा SP 125 के अंदर, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको ABS देखने को मिलता हो, तो इसके अंदर तो नहीं है, एक्सट्रीम 125 के अंदर तो ABS आता है। बात करो व्हील साइज की, तो होंडा SP 125 का जो आगे वाला टायर का साइज है वो है 80x100 का, और जो पीछे वाला है वो है 100x80x18 का, मतलब आगे वाला 80x100 का है और पीछे वाला 100x80 का, यानी कि उल्टा कर रखा है, बाकी ठीक है दोनों ही टायर इसके, मतलब होंडा SP के ठीक है। एक्सट्रीम 125 के अंदर आपको जो टायर साइज देखने को मिलता है, जो आगे वाला है वो है 90x90x17 का, और जो पीछे वाला है वो 120x80x17 का, इसके अंदर आपको टायर साइज देखने को मिल जाता है। और बात करूं ABS की, तो इसके अंदर आपको ABS मिल जाता है और SP के अंदर आपको ABS देखने को नहीं मिलता है। बाकी इंजन की बात करूं तो भाई इंजन दोनों ही बाइक्स में 125 cc का इंजन आता है, और 125 cc तो भाई इनके नाम में ही है, होंडा SP 125 और एक्सट्रीम 125R। बात करें पीछे की, तो भाई पीछे वाले मैं आपको सिर्फ नॉर्मल ही ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं दोनों ही बाइक्स में, बट अगर आप पीछे का अगर आप देखोगे तो भाई होंडा SP 125 काफ़ी ज़्यादा भरी सी लगती है पीछे, अगर आप देखोगे तो इसमें काफ़ी स्पेस जो है वो थोड़ा कम सा है, मतलब इतने एरिया में बहुत ही कम है। अगर आप एक्सट्रीम 125 में देखोगे तो भाई इसके अंदर जो इसका मडगार्ड है काफ़ी ऊपर है, और ऐसा लगता है बाकी में भाई स्पोर्ट्स बाइक का लुक आ रहा है। पीछे से काफ़ी इसका जो खाली कर दिया गया है, जिसका एग्जॉस्ट है वो भी थोड़ा सा कम रखा गया, छोटा सा रखा गया मुकाबले होंडा SP 125 के मुकाबले। बात करूँ होंडा SP 125 की, तो इसके अंदर आपको डुअल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, और बात करूँ एक्सट्रीम 125 के, तो भाई इसके अंदर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जिससे कि लुक और काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। बाकी चलते हैं इसके अंदर मीटर कंसोल की तरफ और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो बात करते हैं पहले होंडा SP 125 के मीटर कंसोल के बारे में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स का देखते हैं। तो इसका ऑन करते हैं तो भाई छोटा सा है इसका जो, अगर आप देखोगे डिस्प्ले नॉर्मल डिजिटल डिस्प्ले इसके अंदर आता है, इधर आप देखते हो फ्यूल गेज आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे गियर, और आपको ऊपर एडोमीटर में देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको ऊपर भी कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि भाई पास बटन हो गया, या फिर साइड स्टैंड अलर्ट हो गया, इको लाइट हो गई। बाकी आपको इधर दो बटन्स मिल जाते हैं सिलेक्ट और सिलेक्ट का,
तो यहाँ से आप इसे जो थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हो, जैसे ओडोमीटर चेंज करना हो गया हो या फिर ट्रिप लगाना हो गया हो, यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि इसके अंदर आपका रियल टाइम माइलेज कितना है। तो आपको एक बार इसका रियल टाइम माइलेज दिखाता हूँ, फिर आपको एक्सट्रीम 125 का भी दिखाऊंगा। तो अगर आप अभी देखोगे तो इसका 64 KML का जो इसके अंदर आपको अभी रियल टाइम माइलेज देखने को मिल रहा है, कंपनी कहती है 60 से 65, तो काफी सही है। और अब इसके अंदर आपको बताऊं तो इसके अंदर ना ही आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है और ना ही इसके अंदर आपको कहीं चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। आइए चलते हैं एक्सट्रीम 125 के पास। अगर आप देखो एक्सट्रीम 125 के अंदर, तो इसके अंदर आप इसके अंदर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, फ्यूल गेज हो गया या फिर टाइम हो गया, ओडोमीटर हो गया, गियर हो गया, बाकी इसके अंदर आपको साइड स्टैंड अलर्ट भी देखने को मिल जाता है। बात करूं इसके अंदर तो भाई इसके अंदर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि भाई इसके अंदर आपको एक तो चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिससे कि आप फोन से कनेक्ट करके इसकी कुछ चीजें हैंडल कर सकते हो। अगर आपके फोन या कॉल्स में से आता तो आप वो डिस्प्ले पे देख सकते हो, जो कि आप होंडा एक्सपी 125 के अंदर नहीं देख सकते। तो भाई अभी इसके अंदर आपको बताता हूँ कि एक्सट्रीम 125 के अंदर इसका जो इसका माइलेज क्या आता है। बाकी एक्सट्रीम 125 फार के अंदर आपको इसके अंदर जो माइलेज देखने को मिलता है रियल टाइम, वो आपको 66 KML का मिल, मतलब जो कंपनी कहती है वो 66 का मिल जाएगा, बट अगर आप नॉर्मल से अगर थोड़ा वैसे चलाओगे, रूली टाइप चलाओगे, तो आपको ये 60 से 55 के बीच में दे देगी, और नॉर्मल चलाओगे तो भाई 60 से 65 के बीच में आराम से दे देगी। बाकी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, कोई सी बाइक को चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको माइलेज कितना मिलने वाला। तो एक्सट्रीम 125 के अंदर आपको जो है 66 का, और जो होंडा एसपी 125 बोलती है वो 60 से 65 के बीच में आपको जो माइलेज है वो देखने को मिल जाएगा। बात करूँ होंडा एसपी 125 की, तो इसके अंदर आपको जो कंपनी बोलती है 10 से 11 लीटर की इसके अंदर आपको जो टैंक कैपेसिटी है वो देखने को मिल जाती है, मतलब 10 से 12 के बीच में आपको रिजर्व के साथ इसके अंदर जो है टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। बात करूँ एक्सट्रीम 125 की, तो कंपनी जो कहती है इसका 10 लीटर इसके अंदर आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, तो होंडा एसपी इसके अंदर आपको ज़्यादा थोड़ी रेंज ज़्यादा मिल जाएगी, तो आप ज़्यादा कवर कर सकते हो। भाई जो अब है वो है लास्ट पॉइंट कि भाई इनका प्राइस कितना सही, फीचर्स ठीक हैं, जो इसका माइलेज है वो भी ठीक है, लुक वाइज भी सब कुछ ठीक है, जिसके फीचर्स हैं वो भी ठीक है, बट जो इसका मेन चीज़ है वो है प्राइस की। भाई इन दोनों ही बाइक्स में क्या ही डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बात करता हूँ सबसे पहले इसकी होंडा एसपी 125 के अंदर, तो भाई इसके अंदर 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, एसपी 125 ड्रम और एक स्पोर्ट एडिशन और एक डिस्क मिल जाता है। तो बात करो नॉर्मल वाले की, जो इसका वेरिएंट है ऑन रोड प्राइस जो जाता है इसका, वैसे आपको मैं एक्सोरूम बताता हूँ क्योंकि ऑन रोड तो भाई सबका अलग अलग चला जाता है, तो इन तीनों ही वेरिएंट्स में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बस जो डिफरेंस है वो है डिस्क ब्रेक का और विदाउट डिस्क ब्रेक का। तो भाई जो विदाउट जो डिस्क ब्रेक यानी कि ड्रम ब्रेक वाला है वो आपको जो एक्सोरूम मिलता है वो 86,467 रुपये का जो इसका एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल जाएगा। भाई की हर स्टेट में अलग अलग RTO और इंश्योरेंस के हिसाब से जो आपका प्राइस है वो अलग वेरी करेगा, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी जो इसका एक्सोरूम प्राइस है वो 86,000 है एक्स जो ड्रम वाला ब्रेक है, और स्पोर्ट एडिशन और जो नॉर्मल डिस्क वाला है वो आपको 90,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, बस उसके स्टिकर्स में थोड़ा डिफरेंस है, तो इसकी वजह से इसको स्पोर्ट एडिशन कहते हैं। बाकी प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको 86,000 से लेकर के 90,000 तक के बीच में आपको एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। बात की जाए एक्सट्रीम 125R के बारे में, तो इसके अंदर आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, एक तो 25R IBS और जो आपको मिलता है एक सिंगल चैनल ABS, जिसके अंदर आपको ABS देखने को मिलता है। तो विदाउट जो ABS वाला है उसके अंदर आपको 96,000 जो इसकी एक्सोरूम प्राइस है वो आपको देखने को मिलती है, जो ABS वाला है वो आपको 1,02,000 तक जो इसकी एक्सोरूम प्राइस है वो चली आती है। फिर वही आपका जैसा स्टेट होगा, जैसा भी आपको RTO होगा या इंश्योरेंस लोगे आप, तो उसके हिसाब से जो आपका प्राइस है वो वैरी करता है, तो उसके हिसाब से भाई आपका प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो सकता है। बाकी जो अगर आप देखोगे तो इन दोनों ही बाइक्स में जो इनका एक्सोरूम प्राइस है अगर बेस मॉडल की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। जो होंडा X125 का जो टॉप मॉडल है और जो एक्सट्रीम 125 कार जो बेस मॉडल है, उन दोनों का प्राइस सेम आ जाता है, तो भाई इसका ये कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर भाई देखो ABS भी है लेकिन वो टॉप मॉडल है, वो बात अलग है, लेकिन उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, उसके वजह से उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। बाकी इन दोनों बाइक्स में आप देख सकते हो कि भाई इसका जो प्राइस है आपने को मैंने बता ही दिया, तो इन दोनों में आप कौन सी बाइक अच्छी लग रही है, कौन सी आप परचेज करने की सोच रहे हो, अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ भी थोड़ा बहुत आसानी हुई हो सोचने में कि हाँ भाई मैं इस बाइक को परचेज कर सकता हूँ या परचेज करने की सोच रहा हूँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इन दोनों ही बाइक से अगर कुछ भी रिलेटेड आपको वीडियोज़ चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं लेके आ जाऊँगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।